पसीना आने लगता हो, घबराहट होने लगती हो, एकदम तुरंत घबराहट हो जाए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, घबराहट उत्पन्न, तो उसके लिए ध्रुमावती माता का नाम लीजिए। और ध्रुमावती माता के नाम से गुड़ की 7 टुकड़े कर लीजिए, गुड़ की जो बट्टी होती है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए। और ध्रुमावती माता के नाम से जहां पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान हो, गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ नीचे ही बैठी हो, सामने दीवाल पर या ऊंचाई पर ना, आपको पहले कहा था शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया, एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठकर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर जल चढ़ाया, एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है जिसको गौरी शंकर कहते हैं हमारे महाराज। तो गौरी शंकर का स्मरण कर उमा महेश का स्मरण कर जो शिवलिंग जमीन पर हो, और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित है, गौरी शंकर का स्मरण कर शुक्रवार के दिन शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के शाम के समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में वो गुड़ की डिलियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए, और गौरी माता का स्मरण कर उसको उठाकर ले आइए। जिस दिन उठाकर लेकर आए, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार ऐसे 7 दिन लगातार दरवाजे के बाहर उसी शिव मंदिर के द्वार पर बैठकर आप वो गुड़ की डली को खा लीजिए महाराज। जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती और पसीना नहीं आ सकता घबराहट के कारण। रात को चक सो आनंदमय, पर गौरी शंकर होना चाहिए।